आज सुबह सुबह दो दो बिस्कुट खाने के बाद मैं अपनी वर्कशॉप के लिए निकल पड़ा था, और क्योंकि मेरा अब ट्रक का बिजनेस बहुत ही बढ़िया चल रहा है तो मैंने सोचा कि अब मुझे अपने रिस्टोरेशन के बिजनेस को भी बढ़ा देना चाहिए। सुबह 10:30 बजे मैं अपनी वर्कशॉप की तरफ पहुंच गया था। फिर मैंने अपनी बाइक को पार्क किया और वर्कशॉप के अंदर चला गया। फिर मैंने वर्कशॉप की सफाई की, सारे शटर वगैरह खोले, और आज मेरा प्लान था कि मैं अपनी स्कॉर्पियो को वापस से रिस्टोर करूंगा। जब मैं अपने सारे टूल्स वगैरह प्रिपेयर कर ही रहा था, इतने में मुझे गाड़ी के हॉर्न की आवाज आती है, और पीछे मुड़ के देखने के बाद मुझे पता चलता है कि ये तो एक हैरियर वाला है जो कि आज का हमारा पहला कस्टमर होने वाला है। अभी वर्कशॉप खोलने की कस्टमर आना चालू भी हो गए, ये देख के मैं काफी खुश हो गया था। फिर उसके बाद वो हैरियर वाला अपनी गाड़ी उतरता है और मेरे पास आके मुझे बोलने लगता है, अरे भाई ये तुम्हारी वर्कशॉप इतने दिन से क्यों बंद थी, मुझे कब से तुम्हारे पास से काम कराना था। मैं उस बंदे को बोलता हूँ कि भाई थोड़ा प्रॉब्लम में था मैं, लेकिन बताओ ना आपको कौन सा काम कराना है, मैं फटक से कर दूंगा। तो फिर वो बंदा बोलने लगता है, अरे भाई मुझे 22 इंच का अलॉय व्हील अपने हैरियर में लगाने हैं, और साथ ही साथ इसका कलर चेंज करके मुझे व्हाइट करना है। अब अलॉय वाली बात तो मेरे समझ में आ गई थी, लेकिन व्हाइट कलर क्यों करवाना चाहता है ये मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि मैक्सिमम बंदे व्हाइट कलर से कोई दूसरा कलर में चेंज करते हैं, लेकिन इस बंदे की डिमांड काफी अलग थी। अब मैंने उस बंदे को बोला 2 से 3 दिन में ये काम हो जाएगा, और वो बंदा भी इस बात के लिए मान गया था। और जब हम लेकिन पेमेंट की बात कर रहे थे, इतने में वहाँ पे थार वाला आ जाता है, और उसे देख के लग रहा था कि वो भी हमारी वर्कशॉप में अपनी गाड़ी का काम करवाने के लिए आया है। फिर वो थार वाला गाड़ी से उतर के हमारी वर्कशॉप के पास आ जाता है, और मैं उससे पूछता हूँ कि भाई साहब आपको क्या काम करवाना है। यार मेरी थार में मेरे को 24 इंच के अलॉय व्हील्स लगाने हैं, और कलर तो भाई मैट ब्लैक ही होना चाहिए। मैट कलर अच्छा भी लगेगा क्या? अब थार वाले की बात सुन के मैं उसे बोलता हूँ कि आपका काम भी हो जाएगा, पर वो मुझे बोलने लगता है, गाड़ी यार मेरे को 3 दिन के अंदर चाहिए, उसके बाद मुझे गाँव जाना है अपनी जमीन बेचने के लिए। थार वाले की बात सुन के हैरियर वाला भड़क जाता है, और वो मुझे बोलने लगता है कि मैं यहाँ पे पहले आया था तो मेरी गाड़ी की मॉडिफिकेशन पहले होंगी। ऐसे कैसे पहले होंगी, मेरा काम ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अब थार और हैरियर वाला इस बात पे बहस कर रहे थे कि किसकी गाड़ी की मॉडिफिकेशन पहले होंगी, और मैं उन्हें सुलझाने में लगा हुआ था। अब मैं उन दोनों को बोल ही रहा था कि भाई ठीक है, मैं दोनों गाड़ियों की मॉडिफिकेशन 4 दिन के अंदर करके दे ही दूंगा। इतने में वहाँ पे एक डिजायर वाला भी आ जाता है, और क्योंकि उसने अपनी गाड़ी को वर्कशॉप के बाहर पार्क किया था, तो मैं समझ गया था कि ये किस लिए आया है। फिर डिजायर वाला भी गाड़ी से उधर के हमारे पास आता है, और मुझे बोलने लगता है, बिडू क्या बोलते, बहुत दिन के बाद वर्कशॉप खोली यार, जल्दी से मेरे डिजायर का फेसलिफ्ट करा दे यार। यार पहले मेरी थार मॉडिफाई होंगी, उसके बाद सबकी गाड़ी होंगी। भाई देखो ये चीटिंग है, मेरी हैरियर को पहले मॉडिफाई करो। अब वो तीनों के बीच में बहस छिड़ गई थी, और हर कोई चाहता था कि मैं उनकी गाड़ी को पहले मॉडिफाई करूं। कोई भी रुकने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। मैं सोच में पड़ गया था कि भाई किसकी गाड़ी पहले मॉडिफाई करूं, कैसे काम जल्दी करूं, लेकिन मुझे क्या पता था कि और भी मुसीबत आने वाली है। कुछ ही देर बाद मेरी वर्कशॉप में एक बलेनो, एक MG हेक्टर और एक वर्ना आ जाती है, और ये तीनों की तीनों गाड़ियां मेरे वर्कशॉप में मॉडिफाई होने के लिए आए थे। अब मेरे वर्कशॉप के बाहर गाड़ियां और उनके ओनर्स की भीड़ लग गई थी, और वो सारे के सारे चाहते थे कि एक हफ्ते के अंदर मैं उनकी गाड़ियों को मॉडिफाई करके दे दूं। लेकिन मेरी वर्कशॉप बहुत छोटी थी, एक टाइम पे एक ही गाड़ी का काम हो सकता था, और पेंटिंग जैसी चीजों में तो 2 दिन लग जाते एक गाड़ी के लिए सिर्फ। मैं किसी भी कस्टमर को वापस करके नहीं भेजना चाहता था, तो मैंने सारे कस्टमर्स को बोल दिया कि आप सभी लोग अपनी गाड़ियां यहां पे छोड़ के चले जाइए, एक हफ्ते के अंदर सबको उनकी गाड़ी मिल जाएंगी। अब सिचुएशन को देखते हुए सारे कस्टमर मेरी इस बात के लिए एग्री हो जाते हैं, और अपनी अपनी गाड़ियों को वर्कशॉप में छोड़ के चले जाते हैं। अब मेरे पास सिर्फ एक हफ्ते का टाइम था, और इस एक हफ्ते के अंदर मुझे इन सारी गाड़ी को मॉडिफाई करके उनके ओनर्स को देना था। मैं इस बात को अच्छी तरीके से जानता था कि अकेले रह के और मेरे वर्कशॉप में तो ये काम बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो फाइनली वो चीज करने का टाइम आ गया था जिसके बारे में मैं बहुत दिन से सोच रहा था। सबसे पहले तो मैं सारी की सारी गाड़ियों को अपने गैरेज के अंदर पार्क कर देता हूँ, और सारी गाड़ियों की चाबी मैं अपने पास रख लेता हूँ, और उसके बाद मैं दरवाजे वहाँ पे लगा के गैरेज को बंद कर देता हूँ। फिर उसके बाद मैं फटाफट अपने बाइक पर बैठता हूँ, और बाइक को स्टार्ट करके मैं सीधा निकल पड़ता हूँ शहर की तरफ। मैं ड्राइव करके सीधा उसी प्रॉपर्टी डीलर के पास जा रहा था जिसके पास से मैंने अपने लिए नया घर खरीदा था, और क्योंकि अब मेरे पास जब्बार के दिए हुए 4 करोड़ रुपए भी है, तो मैं अपनी वर्कशॉप को एक्सपांड कर सकता हूँ। 1.5 घंटे ड्राइव करने के बाद मैं फाइनली उस प्रॉपर्टी डीलर के पास पहुँच जाता हूँ। मैं बस यही सोच रहा था कि भाई मेरे वर्कशॉप का सोल्यूशन मुझे आज यहाँ पे मिल जाए, वरना भाई इतने सारी गाड़ियों को मैं मॉडिफाई नहीं कर पाऊंगा। फिर उसके बाद मैं अंदर जाता हूँ, वो प्रॉपर्टी डीलर मुझसे बोलने लगता है, अरे सर आप फिर से बताइए, हाउ कैन आई हेल्प यू। मैं उससे बोलता हूँ कि मेरे रिस्टोरेशन के बिजनेस के लिए मुझे गैरेज चाहिए, तो मेरी बात सुन के वो बंदा बोलने लगता है, सॉरी सर मेरे पास कोई नया गैरेज तो नहीं है, लेकिन अगर आप चाहे तो मैं पुराना गैरेज जरूर दिखा सकता हूँ आपको। अब क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था, तो मैं उसे हाँ बोल देता हूँ, और फिर उसके बाद हम दोनों उसके ऑफिस से निकलते हैं, मेरी बाइक पर बैठते हैं, और सीधा निकल पड़ते हैं उस गैरेज को देखने के लिए जो ये बंदा बताना चाहता था। मेरा प्लान ये था कि अगर मुझे गैरेज पसंद आ गया तो मैं उसे अपने हिसाब से बाद में बनवा सकता हूँ। फिर लगभग 7 किलोमीटर तक ट्रैवल करने के बाद आखिरकार हम उस डीलर के बताए हुए गैरेज में पहुंच जाते हैं। ये वो गैरेज सर, देख लीजिए। अब बाइक से उतर के मैं इस गैरेज को चेक करने लगा। गैरेज तो वैसे काफी पुराना था, और इसे बहुत सारी मरम्मत की जरूरत थी, लेकिन मेरे करंट वर्कशॉप से ये गैरेज 3 गुना ज्यादा बड़ा था, और यही मुझे चाहिए था। और फिर उसके बाद हम दोनों गैरेज के अंदर का टूर करने लगे। अंदर पहुंचने के बाद कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट आया, क्योंकि अंदर से इसकी हालत काफी ज्यादा अच्छी थी, और बस इसके ऊपर थोड़ा बहुत काम करके मैं इसे बहुत ही बढ़िया गैरेज बना सकता था। मैंने
इस गैरेज की बहुत अच्छे से चेकिंग की और सारी चेकिंग करने के बाद मुझे समझ में आ गया था कि ये गैरेज मेरे लिए परफेक्ट है। तो मैं फटाफट उस डीलर के पास गया और उसे बोला कि मुझे ये गैरेज खरीदना है, बताओ आप कितने में बेचोगे। वेरी गुड सर, काफी अच्छी चॉइस है आपकी। तो ये सारे गैरेज की कॉस्ट हो जाएंगी विद ऑल इक्विपमेंट्स लगभग 2.5 करोड़। ये सुन के ये गैरेज मुझे काफी ज्यादा ओवर प्राइस लगा क्योंकि इसकी कंडीशन उतनी भी अच्छी नहीं थी, लेकिन थोड़े बहुत नेगोशिएशन के बाद मैंने 2 करोड़ में फाइनल इसकी डील डन कर ली और इस गैरेज का ऑफिशियल ओनर अब मैं बन गया था। गैरेज तो मैंने खरीद लिया था लेकिन काम की बस अभी शुरुआत हुई थी। मैंने फटाफट कंस्ट्रक्शन कंपनी को कॉल लगा दिया और जिस तरीके से मुझे अपनी वर्कशॉप बनानी थी मैं फटाफट उन्हें ऑर्डर दे देता हूँ इस चीज का। 1 घंटा इंतजार करने के बाद फाइनली कंस्ट्रक्शन कंपनी के सारे ट्रक्स आ गए थे और वो सारा के सारा वो सामान लेके आ गए थे जो हमारे वर्कशॉप में अपने लगवाना है। फिर ट्रक से उतर के सारे वर्कर लोग हमारे गैरेज के अंदर आ जाते हैं और उनके ग्रुप का ठेकेदार भी उनके साथ ही था और वो मुझे बोलने लगता है, बताइए सर क्या क्या काम करवाना है इस वर्कशॉप के अंदर। मैं ठेकेदार को सारी बातें समझा देता हूँ कि अपनी वर्कशॉप किस तरीके से डिजाइन करनी है और मैं उसे ये भी बोलता हूँ कि वर्कशॉप मुझे 2 दिन के अंदर रेडी चाहिए। सब सुन के ठेकेदार बोलने लगता है, 2 दिन छोड़िए सर, जो आपने काम बताया है वैसा काम तो मैं आपको कल तक करके दे दूंगा, आप बस पेमेंट पहले कर दो। और फिर इसके बाद मेरी वर्कशॉप का रिस्टोरेशन का काम शुरू हो जाता है। ठेकेदार ने सारे के सारे वर्कर्स को काम पे लगा दिया था और वो बहुत बढ़िया तरीके से काम कर रहे थे। वो एक एक जिस तरीके से जगह मैंने बोला था वैसी की वैसी बना रहे थे। अब इनका काम तो रात भर चलने वाला है और ऐसा करते करते क्योंकि रात हो जाती है तो मैं अपने घर के लिए निकल पड़ता हूँ। अब अगले दिन जब मैं वर्कशॉप पहुंचा तो मैं पूरी तरीके से हैरान हो गया था क्योंकि भाई ठेकेदार ने जैसा मैंने कहा था बिल्कुल एग्जैक्ट वैसे ही मेरी वर्कशॉप को कन्वर्ट कर दिया था। अब मेरी वर्कशॉप में 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 4 कार्स का मॉडिफिकेशन एक साथ हो सकता था। अब मेरी वर्कशॉप में नए टूल्स और एडवांस मशीनें अवेलेबल थी। पहले से बड़ी और 2 एडवांस पेंट शॉप थी जहां पे 2 गाड़ियों को एक साथ पेंट किया जा सकता था। पहले के मुकाबले यहां पे कई ज्यादा कलर्स अवेलेबल थे। ये सब देख के मैं काफी ज्यादा खुश हो गया था। सर जी कैसा लगा आपको हमारा काम? मैं उन्हें बोलता हूँ कि भाई आपका काम बहुत ही ज्यादा बढ़िया था। ठीक है सर, तो मैं चलता हूँ, अगली बार कोई काम पड़े तो जरूर बुलाना। अब उसके जाने के बाद मैं अपना फोन निकालता हूँ और अपने दोस्त को बोलता हूँ कि जितने भी गाड़ी अपनी पुरानी वर्कशॉप में है वो सारी की सारी अपनी नई वर्कशॉप में लेके आ जाओ। और मैं उसे ये भी बोल देता हूँ कि मुझे वर्कशॉप में काम करने के लिए वर्कर्स चाहिए। और अब सारी गाड़ियां वर्कशॉप के अंदर आ गई थी और उनके ऊपर काम एक साथ शुरू हो गया था। मेरी वर्कशॉप में काम करने के लिए मेरे दोस्त ने कुछ टेम्पररी वर्कर्स को भेजा था और इनका काम मुझे अगर अच्छा तो मैंने हायर भी कर लूंगा परमानेंटली। अब क्योंकि अपने वर्कशॉप में 4 स्टेशन थे तो हर गाड़ी के ऊपर अलग अलग काम करने के बजाय अब एक साथ हर गाड़ी के ऊपर काम किया जा रहा था। डिजायर वाला बंदा तो फेसलिफ्ट और पीपीएफ करवाने आया था लेकिन बलेनो वाला बंदा तो भाई जनरेशन चेंज ही करवाने आया था और साथ ही साथ उसे नया पेंट भी चाहिए था। पहले तो ये काम कॉम्प्लिकेटेड था पर इतने सारे लोग होने की वजह से 2 दिन के अंदर ये सारे के सारे काम हो जाएंगे। मेरे ट्रक बिजनेस जैसे मैंने यहाँ पे भी एक मैनेजर हायर किया था, कौन सी गाड़ी पे क्या काम चल रहा है वो सारी डिटेल मुझे बताएगा। और देखो तुम लोग निकले, सबसे पहले इसके पैनल निकाल दो, पैनल निकालने के बाद अपन चेसिस अच्छे से बिठा देंगे और उसके बाद डोर्स वगैरह लगा देंगे, ठीक है। अब जब तक ये काम चल रहा है मैंने सोचा तब तक मुझे देखना चाहिए कि भाई मेरे वर्कशॉप का इंटीरियर कैसा है जो स्पेशली मैंने अपने लिए डिजाइन करवाया था। सबसे पहले तो ये हमारे जनरल कंप्यूटर है और इसी के अंदर हमारी गाड़ियों का सारा डेटा होता है। और इसके बाद ये रहा मेरा ऑफिस जो पहले के मुकाबले काफी ज्यादा शानदार और बेहतरीन है और मेरे इस केबिन की खिड़की से मैं सारा काम होते हुए आराम से देख सकता हूँ। फाइनली 3 दिनों के बाद सारी की सारी गाड़ियां मॉडिफाई हो चुकी है और जो जो कस्टमर की डिमांड थी वो सारी की सारी हमने फुलफिल कर दी है। 2017 डिजायर को हमने फेसलिफ्ट में कन्वर्ट कर दिया है, उसके बाद हमने 2016 वाली बलेनो को कन्वर्ट कर दिया 2022 वाली बलेनो में। अलॉय व्हील से लेके बॉडी सब कुछ इसके अंदर अपनी हुए है और जैसा थार वाले भाई ने कहा था हमने इसके अंदर मैट कलर का ब्लैक पेंट मार दिया और इसके अंदर अब है 24 इंच के अलॉय व्हील्स। वरना के अंदर तो भाई बस कलर चेंज हुआ और पीपीएफ हुआ लेकिन हैरियर का लुक तो अब भाई काफी ज्यादा जबरदस्त हो गया है पहले से। कस्टमर के कहने के मुताबिक हमने इसे लेक्सस व्हाइट पे पेंट कर दिया है और 22 इंच के अलॉय व्हील के साथ ही शहर में अपनी धमाल मचाने के लिए तैयार है। पर सबसे बढ़िया और सबसे ज्यादा काम तो हेक्टर के अंदर हुआ था। इसके अंदर नए अलॉय व्हील्स, एक्सेसरीज, नए ग्रिल और काफी कुछ चेंज हुआ था जिसकी वजह से हेक्टर एकदम बीस्ट मोड पे आ गई थी और काफी ज्यादा बवाल लग रही थी। सब देख के मैं काफी ज्यादा खुश था और मैंने अपना फैसला कर लिया था कि सारे के सारे वर्कर्स को मैं परमानेंट अपनी वर्कशॉप के अंदर हायर कर लूंगा और फाइनली अब सारी की सारी गाड़ियां डिलीवरी के लिए तैयार थी। जैसा कि मैंने कस्टमर्स को प्रॉमिस किया था कि सारी की सारी गाड़ियां मैं उनको 1 हफ्ते के अंदर डिलीवर कर दूंगा तो कल सारी गाड़ियों की डिलीवरी है और इन सारी गाड़ियों से मैं लगभग 50 लाख प्लस का प्रॉफिट तो कर ही लूंगा। तो फिर इसी के साथ आज का वीडियो यही खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करो, कमेंट करके बताओ कि भाई कौन सी गाड़ी की मॉडिफिकेशन सबसे बढ़िया थी और मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।